जी नगर में स्थित कोचिंग सेंटर्स अक्सर चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। अभी कुछ समय पहले भी इन पर एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें विशेष तौर पर बच्चों की सेफ्टी का मुद्दा और झूठे प्रचार का मुद्दा शामिल था। अब एक बार फिर से कोचिंग सेंटर्स चर्चाओं का विषय बने हैं और इस बार तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कोचिंग सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को वकील गौतम नारायण की अध्यक्षता में वकीलों की एक टीम गठित की, जो मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति और सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगेगी। हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में स्थित कोचिंग सेंटरों संचालन से संबंधित कई मामलों की सुनवाई कर रहा था, जिसमें पिछले साल शुरू की गई स्वतः संज्ञान याचिका भी शामिल थी। आपको बता दें, ये वो याचिका है जिसने 2023 में 4 मंजिला इमारत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और रविंद्र दुडेजा की खंडपीठ ने कहा, हम अतिरिक्त रूप से एक स्वतंत्र टीम का गठन करते हैं जिसका नेतृत्व विद्वान न्याय मित्र श्री गौतम नारायण करेंगे, जो स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और पाए गए कोचिंग सेंटरों की संख्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि परिचालन और उनमें से कितनों को UBBL के अनुपालन में कहा जा सकता है। इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र नारायण की सहायता के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को न्याय मित्र के साथ पैनल में शामिल 5 वकीलों को रखने के लिए कहा। भले ही पहले से मौजूद कोचिंग संस्थानों ने संचलन बंद कर दिया हो, लेकिन नए केंद्र उसी परिसर में खोले गए हैं जो अभी भी चल रहे हैं। हाईकोर्ट के अनुसार निरीक्षण के लिए इस स्वतंत्र टीम का गठन पहले से जारी निर्देशों के निरंतर अनुपालन में MCD यानी कि दिल्ली नगर निगम और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के निरंतर दायित्व के अतिरिक्त किया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा, हम दिल्ली फायर सर्विसेज को निर्देश देते हैं कि वे संबंधित क्षेत्र के सत्यापन की एक स्वतंत्र प्रक्रिया शुरू करें और गैर पुष्टि करने वाले कोचिंग सेंटरों की संख्या के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनकी पहचान की जा सकती है। सुनवाई के दौरान MCD ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि 21 कोचिंग सेंटरों ने स्वेच्छा से अपना संचलन बंद कर दिया है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार 25 कोचिंग सेंटरों को सीलिंग के नोटिस जारी किए गए हैं और इनमें से 6 को पहले ही सील किया जा चुका है। MCD शेष के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। अदालत ने कहा कि वह उस दिन कोचिंग सेंटरों को शैक्षिक भवनों की परिभाषा में शामिल करने के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसके लिए उन्हें अग्नि सुरक्षा आदि के लिए कुछ विशिष्ट अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद MCD के वकील ने कहा कि कुछ अनुपाल शिक्षा भवनों जैसे स्कूल या कॉलेज पर लागू किए गए हैं और ये कोचिंग सेंटर पर लागू नहीं है। इसे लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए और इन शर्तों को मनमाना क्यों होगा, यह एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना होगा। मुख्य प्रश्न जो हम प्रस्तावित करते हैं वो ये है कि भले ही आप ऐसे क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर स्थापित करने आए हैं जहां मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति है, एक बार ऐसी गतिविधि शुरू होने के बाद क्या आप आवासीय रह जाते हैं या चरित्र से वंचित हो जाते हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, अदालत ने MCD को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा, जिसमें मुखर्जी नगर में अब तक संचालित कुल कोचिंग सेंटर्स की संख्या बताई जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या इतने कड़े एक्शन के बाद भी कोचिंग सेंटर्स खुद को सुधारते हैं या फिर इसी तरीके से चलते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी शुरू कर दें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।